कोतवाली थाने पर आयोजित थाना समाधान दिवस पर एडीएम सिटी रजनीश चंद्र और एसपी सिटी विनय कुमार सिंह ने आए फरियादियों की समस्याओं को सुनते हुए उसके निस्तारण के आदेश दिए। शनिवार को थाना परिसर में आयोजित थाना दिवस में मात्र दो समस्याएं आईं, जिसका एसपी सिटी ने उसके निस्तारण के निर्देश दिए। इस दौरान प्रभारी निरीक्षक घनश्याम तिवारी सहित नगर निगम, बिजली विभाग, ईडीए सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी विनय सिंह ने बताया। एग्जाम के कोई एयरपोर्ट से प्लास्टिक कलर में बनाते हैं। प्लास्टिक के सबसे पहले दाने बनता है, दाना बनाने के बाद उसको गला के बाहर ले जाना चाहिए। आराजी नंबर 202-201 पर 24 तारीख को कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती कब्जा करके बना रहे थे, उसको रुकवाने के लिए मैंने बार बार फ़ोन किया। इंस्पेक्टर साहब और सीओ साहब गए थे, दो पिलर तो उखड़वा दिए थे, लेकिन दो पिलर अभी भी वहाँ मौजूद है। उसी के लिए, चूंकि वो मस्जिद की ज़मीन है और मस्जिद वो खुद मस्जिद है, किसी वजह से हम बना नहीं पाए, खंडहर हो गई है। और पुलिस प्रशासन से मैं सालों से, सन 1980 से लेके आज तक, यहाँ से लेके हाई कोर्ट तक हमारी डिग्री है। और हम चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन और ज़िला प्रशासन सहयोग करे ताकि मस्जिद की हमारी चारों तरफ से सुरक्षित हो जाए, चारदीवाली हो जाए। लेकिन मैं दौड़ रहा हूँ, यहाँ से लेकर थाने से लेकर सीएम तक लिख रहा हूँ, लेकिन अभी तक हमें कहीं से न्याय की उम्मीद नहीं है, ना न्याय मुझे मिला है। तहव्वर हुसैन, प्रबंधक, मस्जिद दीवान बाज़ार। थाना समाधान दिवस में ज़मीन संबंधी एक मामला आया था जो नाली के विवाद से संबंधित है, और इसके पहले एक प्रार्थना पत्र पेंडिंग है जिसकी जांच एसडीएम सदर साहब के स्तर से कराई जा रही है। वो दोबारा व्यक्ति आए हुए थे, इस तरह से कुल दो मामले आ जाए थे।